नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार सिर्फ इंसानों पर ही मेहरबान हो, कभी कभी ये किसी और पर भी मेहरबान हो सकती है। लेकिन इस बार किस्मत जिस पर मेहरबान हुई वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक जानवर है। आज हम आपको एक ऐसी मुर्गी से मिलवाने जा रहे हैं जो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। ये मुर्गी अपने मालिक की बहुत लाडली थी, इसलिए जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो अपनी प्यारी मुर्गी के लिए थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे $15 मिलियन की संपत्ति छोड़ गए। क्या आपने अक्षय कुमार की फिल्म एंटरटेनमेंट देखी है? जिन्होंने इस फिल्म को देखा होगा वो जानते होंगे कि इस फिल्म में एंटरटेनमेंट नाम का एक कुत्ता $1 बिलियन का मालिक होता है। फिल्म में कुत्ते के मालिक और अक्षय के पिता ने अपनी संपूर्ण संपत्ति उस कुत्ते के नाम कर दी होती है। ऐसा ही कुछ असल जिंदगी में भी हुआ। इस दुनिया में एक मिलियन मुर्गी भी मौजूद है जिसका नाम गीगू है। गीगू को आम आदमी से कहीं ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की सभी सुख सुविधाएं मिली हैं। ये मुर्गी एक महंगे और सभी सुख सुविधाओं से भरपूर बंगले में रहती है। उसकी लग्जरियस कार और संपत्ति $10 मिलियन की है। उसके आलिशान बंगले में नौकर, महंगी कार, सुरक्षा गार्ड और पर्सनल शेफ तक शामिल है। इस मुर्गी के पास $1 करोड़ यानी कि 67 करोड़ रुपए मौजूद है। इस संपत्ति को उसने विरासत के तौर पर पाया। अपने मालिक और उसकी पत्नी की मौत के बाद ये मुर्गी उनके संपूर्ण संपत्ति की मालकिन बन गई। हम आपको बता दें कि इस गीगू की मौत के बाद उसके चूजे करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। गीगू के मालिक ब्रिटिश पब्लिशर माइलस ब्लैकवेल्स को कोई भी संतान नहीं थी और उनकी पत्नी की भी उनके पहले मौत हो गई थी। उनके पास करोड़ों की जायदाद होते हुए उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मुर्गी को संपत्ति का मालिक बना दिया और कुछ संपत्ति लोगों को दान कर दी। उन्होंने गीगू के नाम पर 15 मिलियन कर दिए थे ताकि उनके जाने के बाद उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस तरह ये गीगू दुनिया की सबसे अमीर मुर्गी बन गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।